हमास के सिर्फ एक हमले ने उड़ाई इजराइल की नींद। जिस ऑपरेशन की प्लानिंग इजराइल 15 दिनों से कर रहा था उसे लगा करारा झटका। इजराइल के मरकावा टैंक को उड़ाने की वीडियो आया सामने। विरोधी बेंजामिन नेतन्याहू के उड़े होश। अब इस चुनौती से किस तरह निपटेगा इजराइल? दोस्तों, हर रोज इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी कुछ ऐसी वीडियोस और फोटोज सामने आते हैं जिन्हें देखकर हमारा मन परेशान हो जाता है। तबाही का वो भयावह मंजर एक बार देखने के बाद घंटों तक हमारी नजरें के सामने से नहीं हटता। अभी वीडियोस फुटेज हम आम लोगों को तो परेशान कर ही रहा है, लेकिन हाल ही में इंटरनेट पर इस युद्ध से जुड़ी एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने पूरी इजरायली सेना के भी होश उड़ा। इस वीडियो में कुछ ऐसा दिखाया गया है जिससे इजराइल के प्लान को करारा झटका लगा है। हो सकता है कि उन्हें पिछले 15 दिनों की प्लानिंग को रद्द करके एक बिल्कुल नया प्लान बनाना पड़ेगा। दोस्तों, इंटरनेट पर वायरल हुई यह वीडियो आखिर क्या है और इसे बनाने के पीछे किसका हाथ है और अब इजराइल इस चुनौती को किस तरह से निपटेगा, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, 7 अक्टूबर को जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है तभी से इजराइल की वायुसेना गाजा पर बमों की बरसात कर रही है। पिछले 20 दिनों में गाजा पर इतने बम गिराए गए हैं कि शहर खंडहर में बदल गया है। जहां पहले ऊंची ऊंची इमारतें नजर आती थी वहां सिर्फ अब धूल के गुब्बारे और मलबे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतने हमले के बाद भी इजराइल हमास के हौसलों को नहीं तोड़ पाया है। हमास ना तो इजराइल के सामने झुकने के लिए तैयार है और ना ही किसी तरह समझौता करने के लिए। हमास के इतना निडर होने का कारण है गाजा की जमीन के नीचे मौजूद सुरंगों की जाल, जो हमास का अड्डा है। असल में इजराइल की वायुसेना गाजा पर जो बमबारी कर रही है उसका हमास पर इसलिए कोई असर नहीं हो रहा है क्योंकि उसके लड़ाके इन गहरी सुरंगों में छुपे हुए बैठे लोग सिर्फ हमला करने के लिए सुरंग से बाहर निकलते हैं और उसके बाद वापस सुरंग में छिप जाते हैं। साथ ही उन्होंने अपने हथियार भी सुरंग के अंदर ही छुपाए हुए है। इजराइल इनके ऊपर बमबारी करता है लेकिन उसका असर सिर्फ जमीन पर रह रहे गाजा के आम लोगों तक ही होता है, क्योंकि हमास के द्वारा बनाई गई ये सुरंगें 500 फीट तक गहरी है और दुनिया में ऐसा कोई बम नहीं जो जमीन की इतनी गहराई तक वार कर सके। यानी अभी तक इजराइल ने जितने भी हमले किए हैं उन सभी में हमास का कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ गाजा के मासूम लोगों की जान गई है। जानकारी के लिए बता दे कि इस युद्ध में अब तक करीबन 10,000 लोगों की जान चली गई है। इसमें 7,000 से ज्यादा लोग अकेले गाजा में मारे गए हैं। इजराइल जानता है कि जब तक वह हमास पर हमला नहीं करेगा तब तक यह जंग ऐसे ही चलती रहेगी। इसलिए इजरायली सेना ने हमास पर सीधी वार करने के लिए अपनी थल सेना को गाजा में भेजने का प्लान बनाया है। इस प्लान पर पिछले 15 दिनों से काम किया जा रहा है, लेकिन अभी अभी एक वीडियो सामने आने से इजराइल के प्लान को धक्का लगा है और धक्का इतना बड़ा है कि इसकी वजह से इजराइल को पूरी प्लानिंग दोबारा से करनी पड़ सकती है। क्योंकि जिस थल सेना को इजराइल इस युद्ध में अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रही थी वह अब उसकी कमजोरी नजर आ रही है। अब ऐसा क्यों हुआ है यह समझने के लिए आप जरा पहले इस वीडियो को देखें। वीडियो में जो टैंक आपको नजर आ रहे हैं यह इजराइल का सबसे अच्छा और सबसे पावरफुल टैंक मरकावा है। आपको बता दें कि सिर्फ इस टैंक की लागत 35 करोड़ के आसपास है और इजराइल पिछले 15 दिनों से यह प्लान बना रहा है कि वह अपनी सेना को गाजा के अंदर हमास पर चढ़ाई करने के लिए भेजेगा। और इस ऑपरेशन में मरकावा टैंक इजरायली सेना की अगुवाई करने वाला था, क्योंकि टैंक को ऐसा समझा जाता है कि कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। हमास द्वारा जारी की गई इस वीडियो ने इस सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है।
वीडियो में आप देख सकते हैं कि मरकावा टैंक को किस तरह सिर्फ एक मामूली से ड्रोन की मदद से नष्ट किया जा रहा है। असल में यह क्वाड क्वाड ड्रोन है जिस पर एंटी टैंक रॉकेट को लटकाया गया है। यह पहले अपना निशाना साधने के लिए टैंक के ठीक ऊपर आता है और फिर इस पर RPG यानी रॉकेट प्रोपेलर ग्रेनेड को टैंक के आगे वाले हिस्से में गिरा देता है। इस तरह चंद सेकंड में इजराइल का यह मजबूत और ताकतवर टैंक बर्बाद हो जाता है। यह वीडियो हमास के द्वारा जारी की गई है, जिसे देखकर बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि जिस मरकावा टैंक के बलबूते वह हमास पर चढ़ाई करने का प्लान बना रहे हैं अब मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। यह वीडियो देखकर आपको क्या लगता है, इजराइल अपना प्लान बदलेगा या फिर पुराने प्लान से आगे बढ़ेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।